दर्शकों राम राम सर और भाई भी राम राम सर। दर्शकों आज मैं थाने फिर ले आया हूँ कर्म योग्यारी भूमि सुजानगढ़ शहर में है। और अब मैं था लोगों ने दर्शन करा रही हूँ सुजानगढ़ का प्रसिद्ध सिंगिंग जैन मंदिर है। और ते देख ही रहा हूँ ये मंदिर की माए कितनी खूबसूरत चित्रकारी नक्काशी मीनाकारी कराती है। और दर्शकों ये मंदिर में जग बल्लभ भगवान श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है और यो मंदिर लगभग 102 साल पहले बनेडो है। एक खास बात और बताओ सुजानगढ़ शहरा मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी अति आर संगीत साधना कर करा है। और दर्शकों एक रोचक बात मैं भी थाने बता रही हूँ ये मंदिर के मायने जब रोजिना सुबह आरती हुआ करे है तो आप राष्ट्रीय पक्षी मोर आरती में आवे है और आरती हुआ पाछे पाछे चले जाए।
दर्शको अमे थाने दर्शन करा रहे हैं सुजानगढ़ शहर का प्रसिद्ध जैन मंदिर रा। और दर्शको यो मंदिर 165 साल पुराना है और ये मंदिर रे माई भगवान पार्षद नाथ री प्रतिमा स्थापित है। और ये प्रतिमा री भी एक खास बात है, ये प्रतिमा री प्राण प्रतिष्ठा रेवासा धाम का माई 542 साल पहले हुई थी। दर्शको अब चला और था लोगों ने भगवान पार्षद नाथ के दर्शन करावा तो ले आओ। Oh,
चासनी मैदा में घोल इन्हें जलेबी बनावे बियाई संगीत अपना जीवन में घोल इन्हें मीठो बनावे ई रेगिस्तान री मिट्टी रो संगीत तो जीवन रो अमृत है और वीणा ई अमृत में पूरी दुनिया ने चखारी है। मैं लो खड़ा हा सुजानगढ़ शहरा विख्यात सुना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय पर और दर्शकों मैं आपने बता पो चाह रहे हूँ सेठिया परिवार यह सोच ही कि आपना सुजानगढ़ शहरी लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करे और ई वास्ते ही ई कन्या महाविद्यालय रो स्थापना करे गए हो। ई कन्या महाविद्यालय पढ़वाली बहुत सी छात्राएं आज उच्च पदा पर आसीन है और दर्शकों मैं आपने बता पो चाह रही हूँ ऐ लड़के हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज सुजानगढ़ शहर में ही नहीं ई कन्या महाविद्यालय रो पूरा राजस्थान में नाम रोशन करे है। मनड़ा वाली रे बा सावण की
सुजानगढ़ शहरी एक और मशहूर हस्ती तानसेन जी रवंशत स्वर्गीय जमाल सेन जी रे घर है। जमाल सेन जी के परिवार में निर्मल सेन, सागर सेन, मदन सेन और दो चर्चित चेहरे यहाँ है जिन्हें थे सभी लोग अच्छी तरह से जानो हो, दिलीप सेन और समीर सेन। दिलीप सेन का बेटा है और समीर सेन का पोता। और दर्शकों, परिवार के बारे में बताने एक जानकारी और दे रहे हूँ। आज से लगभग 45 साल पहले कमाल अमरोही की एक फिल्म आई दायरे। दायरे फिल्म का मायने स्वर्गीय जमाल सेन जी ने संगीत दिए हो। तो साथियों, अब आगे भी मिथाने सुजानगढ़ शहरी एक से एक मशहूर हस्ती और ऐतिहासिक स्थल पे घुमाशा जता थे। देखो यो प्यारो सो गीत। वो पानी पी बनवायो अभी दिन सुमारी नींद उड़ गई चैन मने ना आयो। ए मैं कुएं पर एकली वो पानी पी बनवायो अभी दिन सुमारी नींद उड़ गई चैन मने ना आयो। रे मने या लागे छे बोले गया मारा जी। अरे पियारे 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 पापिया पियारे 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 पापिया। रे मेरे सागे पहला नेड़ लड़ाया रे फिर मेरा चैन चुराया चुराया। मारे सागे पहला नेड़ लड़ाया रे फिर मेरा चैन चुराया। मेरा
प्यारे दर्शकों, अब मैं थाने ले आया हाँ सुजानगढ़ शहर री पहली हाई स्कूल पे। और ये हाई स्कूल री स्थापना सन 1941 के माए स्वर्गीय सेठ पूनमचंद बगड़िया द्वारा की गई। और दर्शकों मैं थाने जानकारी दे रही हूँ, बगड़िया परिवार द्वारा स्थापित ये हाई स्कूल का मायने बहुत सा ऐसा विद्यार्थी अध्ययन कर पूरी दुनिया का मायने अलग अलग क्षेत्र का मायने ख्याति प्राप्त कर रहा है। और एक बात और बताऊं, सुजानगढ़ शहर का मायने बगड़िया परिवार बहुत सा ऐतिहासिक स्थल की भी स्थापना करी ही। और एक और खास बात बताना चाहूँ दर्शकों, उस जमाने में ये हाई स्कूल के माए पास थिएटर घूम खिलो जाए हो और ड्रामा के माए जो पर्दो काम में आवे है वो आज भी अटे सुरक्षित रखियो है। सुजानगढ़ में ही नहीं सगला राजस्थान का लोक देवता गोगा मेड़ी मंदिर पर। दर्शको मन तो कोनी कर रहे जावंडो, पर टाइम हो गए है, अब थासु विदा लेबो चावा। थासु फिर बात करला सुजानगढ़ रा बारे में। पर जावा सु पहले नोट कर लो माँ लोगा को पतो। माँ को पतो है गोरबंद नखराड़ो वीना कैसेट्स हल्दिया हाउस जौहरी बाजार जयपुर। अब चला हाँ राम राम सा।